नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नई खबर निकल के आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज, अभी सीबीएसई ने एक सख्त कदम उठाते हुए ये अनाउंस किया है कि जो भी स्कूल बच्चों के मार्क्स अलाट कर रहे हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की कापी उन्होंने चेक करके मार्क्स भेजा है, तो अगर इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या लगाया जाएगा। आखिर सीबीएसई के द्वारा ऐसा किया क्यों गया है? तो ऐसे बहुत सारे स्कूल थे जिन्हें होम सेंटर के रूप में चुना गया। अब होम सेंटर का मतलब यह है कि उनके खुद के बच्चे उनके ही स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे थे। अब इस सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि जो टीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा अपने बच्चों पर खास दया दृष्टि बनाए रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सिंपथी रहती है, और उस सिंपथी के साथ वो कापियाँ चेक करते हैं, मार्क्स अलाट करते हैं। इसी के दृष्टिकोण से सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके चेकिंग में आई तो उसके एवज में आप पे कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई की इंटरनल टीम इसकी जांच भी कर रही है, हो सकता है कि जल्दी ही आपका रिजल्ट जारी किया जा सके। इसे शेयर करिएगा। जय हिंद।